हाय फ्रेंड्स, तो आज हम मिलकर बनाने जा रहे हैं ब्रेड का बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी सा नाश्ता, जो बाहर से तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होने वाला है और अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होगा। रेसिपी का कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा ताकि हम ये ब्रेड के नाश्ते को परफेक्टली कैसे बनाएं ये जान सकें। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर दो बॉइल्ड पोटैटोज लिए हैं, जिनको मैशर की मदद से अच्छे से मैश कर लेंगे। दोस्तों, इस नाश्ते की खासियत ये है कि हम इसे सिर्फ चार ब्रेड स्लाइसेस से बनाकर तैयार करेंगे और बनने के बाद कोई भी ये पहचान नहीं पाएगा कि ये ब्रेड स्लाइसेस से बनाए गए हैं। तो यहाँ पर मैंने ब्लैक पेपर का यूज़ किया है 1/4 चम्मच, साथ में रेड चिली पाउडर भी ऐड करेंगे थोड़ा स्पाइसीनेस बढ़ाने के लिए। यहाँ पर मैंने नमक लिया है 1 चम्मच और साथ में हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर कुछ वेजीज ऐड कर देते हैं ताकि इसका फ्लेवर और ज़्यादा बढ़ जाए। तो कैरेट के साथ साथ आप कैप्सिकम डाल दीजिएगा, ग्रीन चिली स्पाइसी और ज़्यादा करने के लिए ताकि ये और ज़्यादा चटपटा हो जाए, और साथ में थोड़े हरे धनिया के पत्ते। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो हमारे स्पाइसीज हैं वो आलू के अंदर ऑब्जर्व हो जाए, आलू में अच्छे से मिल जाए। तो यहाँ पर मिक्सर पूरी तरह से रेडी हो गया, अब हम इसे साइड रख देंगे। और यहाँ पर मैंने कुछ ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं, ये रेगुलर ब्रेड है दोस्तों, तो इस तरह से लेकर आप इसमें टुकड़ों में तोड़ लीजिएगा। एक मिक्सी के जार में इसे हम ग्राइंड करेंगे दोस्तों। तो कुछ इस तरह से सारे ब्रेड के स्लाइसेस को आप धीरे धीरे कर तोड़ लीजिएगा। तो सारे ब्रेड के स्लाइसेस को तोड़ने के बाद अब हम मिक्सी के जार को बंद कर इसे सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए ग्राइंड करेंगे, जिससे कि हम ब्रेड क्रम्स बना सकें। ये देखिए, ब्रेड क्रम्स हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो चलिए हम अपने मिक्सचर को वापस लेकर आते हैं और इसमें थोड़े से ब्रेड क्रम्स को ऐड करते हैं। तो सारे के सारे ब्रेड क्रम्स को एक बारी में ऐड नहीं करेंगे, धीरे धीरे कर हम ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर आधे ब्रेड क्रम्स को डाल दिया है, पर मुझे मिक्सचर थोड़ा सा गीला लग रहा है, तो इसलिए मैं सारा का सारा ब्रेड क्रम जितना भी है वो मैं इस मिक्सचर में डाल दूंगा। और कुछ इस तरह से हम इसे मिक्स करेंगे, इसे एक डो में कन्वर्ट कर देंगे जो चिपचिपा ना हो दोस्तों। अब हमारा नाश्ता बाहर से भी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार हुए, इसलिए मैंने इसमें राइस फ्लोर ऐड किया, यानी चावल का आटा। तो मैंने 2 चम्मच चावल के आटे को यूज़ किया है और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। कुछ इस तरह से आप मिक्स कर दीजिएगा ताकि जो है चावल का आटा इससे अच्छे से मिक्स हो जाए। अब चलिए हम नाश्ते को रेडी करते हैं। तो इसके लिए हथेली को थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लीजिएगा और बॉल की शेप की एक लोई ले लीजिएगा, कुछ इस तरह से आप ले लीजिएगा और इसको हाथों से फ्लैट कर दीजिएगा। ये देखिए, कुछ इस तरह से आप फ्लैट कर देना। तो आप इसे कोई भी मनचाही शेप दे सकते हैं, पर मुझे ये शेप थोड़ी अट्रैक्टिव लगती है तो इसलिए मैंने यही शेप दी है। ये देखिए, कुछ इस तरह से मैं दूसरा भी बनाकर दिखाता हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से ये रेडी हो गई है, ना तो ये हाथों पे चिपक रहा है दोस्तों, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगा। चलिए इसे फ्राई कर लेते हैं। तो गर्मा गर्म तेल में हम इसे फ्राई करेंगे। तो कुछ इस तरह से आप डाल दीजिएगा और इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे फ्राई करना होगा। जब नीचे से थोड़ा सा गोल्डन कलर आ जाए तो दोस्तों आप इसे पलट दीजिएगा। ये देखिए कितना अच्छा सुनहरा कलर खिलकर आया है दोस्तों। तो अभी तक ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब कुछ सेकंड के बाद हम दूसरी तरफ से भी पलट कर देखते हैं। ये देखिए, बहुत ही कुरकुरा, बहुत ही चटपटा सा बनकर तैयार होता है दोस्तों ये नाश्ता। आप यकीन नहीं करेंगे, हफ्ते में कम से कम 3 से 4 दिन ये नाश्ता हमारे घर पर ज़रूर बनता है। तो दोस्तों, इस बीच में देखिए, इस तरह से अगर गोल्डन कलर आ जाए नाश्ते पर तो हम इसे बाहर निकाल लेंगे। इसका मतलब ये है कि हमारा नाश्ता पूरी तरह से रेडी हो गया है। तो आपको ये ब्रेकफास्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप सुबह के टाइम कौन कौन सा ब्रेकफास्ट ट्राई करते हैं आप ये भी मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं आपकी रेसिपी को ज़रूर बनाऊँ। तो कुछ इस तरह से आप सर्व कर दीजिएगा और साथ में हम धनिया के पत्तों से थोड़ी सी इस पर गार्निशिंग करेंगे। ये देखिए कितना टेम्प्टिंग, कितना कलरफुल लग रहा है हमारा ये नाश्ता। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये नाश्ता बाहर से कितना ज़्यादा क्रिस्पी है और अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। ये देखिए, तो आप इस नाश्ते की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये नाश्ते की रेसिपी कैसी लगी। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर ये रेसिपी आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा दोस्तों, ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें।
और ऐसी बहुत सी डिलीशियस और अमेजिंग सी रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। वहाँ पर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फॉलो कीजिए। तो मैं नवीन खुराना आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।